फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्केस्टी। आज के वीडियो में हम देखेंगे बच्चे को एडिशन विद कैरिंग कैसे सिखा सकते हैं। बच्चे को नंबर आइडेंटिफिकेशन और बिग एंड स्मॉल नंबर का कंसेप्ट सिखाने के बाद हम बच्चों को एडिशन सिखा सकते हैं। पहले बच्चे को पिक्चर मेथड के थ्रू एंड देन काउंटिंग मेथड के थ्रू, उसके बाद हॉरिजेंटल के मेथड के थ्रू बच्चे को एडिशन सिखाया जाता है और फिर उन्हीं नंबर्स को कॉलम में लिख के एडिशन सिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों को एडिशन विद कैरिंग हम कैसे सिखा सकते हैं। हम बड़ों के लिए एडिशन करना बहुत आम बात है, बट बच्चे अभी छोटे हैं, उन्होंने अभी अभी 100, 1000, 2000 नंबर सीखे हैं, तो उनको आप जब एडिशन सिखा रहे हैं तो एक प्रॉपर वे जरूर यूज कीजिए। सबसे पहले हम उनको फैक्ट्स समझाएंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जिसके हेल्प से आप बच्चों का एडिशन सिखा सकते हैं। तो पहला है, एडिंग वन टू एनी नंबर विल गिव यू द नेक्स्ट नंबर। हम कौन से भी नंबर में वन ऐड करते हैं तो उसका नेक्स्ट नंबर ही उसका आंसर होगा। जैसे कि 2 + 1, 2 का नेक्स्ट नंबर है 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। 4 + 1, 4 का नेक्स्ट नंबर 5, तो आंसर यहाँ पे आएगा 5। ये फैक्ट कब यूज होगा? जब बच्चा एडिशन में नंबर कैरी करता है और वन को कैरी करता है तो उसको आंसर नेक्स्ट नंबर आएगा ये उसको पता होना चाहिए, सो दैट वो क्विकली एडिशन कर पाए। नेक्स्ट फैक्ट है, एडिंग जीरो टू एनी नंबर विल गिव द नंबर इटसेल्फ। कौन से भी नंबर में हम अगर जीरो ऐड करते हैं तो उसका आंसर वही नंबर हमें मिलेगा। जैसे कि 0 + 1 करेंगे तो आंसर 1 ही मिलेगा, या 1 + 0 करेंगे तो भी आंसर हमें 1 ही मिलेगा। 2 + 0 तो 2 ही। 2 डिजिट नंबर हम लेंगे उसमें भी हम 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर हमें रिपीट मिलेगा। इसके हम ये दो फैक्ट्स की प्रैक्टिस हम इस तरह से करवा सकते हैं बच्चों से। जैसे कि यहाँ पे 5 + 1, तो 5 का नेक्स्ट क्या होगा? 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। 6 + 1, 6 नेक्स्ट 7। उसी तरह से यहाँ पे 0 ऐड करके देखेंगे हम, 3 + 0 तो आंसर 3, 4 + 0 तो आंसर यहाँ पे आएगा 4। तो नेक्स्ट है, एडिंग टू नंबर्स इन आइदर ऑर्डर गिव्स द सेम आंसर। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 25 + 12 का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, तो 5 + 2 होता है 7। 5 को हम माइंड में रखेंगे और 2 को हम फिंगर पे लेंगे, 5, 6, 7, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7। उसी तरह से 2 + 1, 2 का नेक्स्ट नंबर 3, फर्स्ट जो फैक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है 3। देन यहाँ पे क्या है, बच्चों को 25 + 12 करेंगे तो भी आंसर 37 ही आता है, या फिर 12 + 25 करेंगे तो भी आंसर 37 ही आता है, ये उनको पता होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस हम सिंगल डिजिट से भी कर सकते हैं, 2 + 1 3 ही होता है, या फिर 1 + 2 आंसर 3 ही होता है, या हॉरिजेंटल वे में ले या वर्टिकल में ले उसका आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वी ऐड टू नंबर्स द सम इज मोर देन आइदर ऑफ द नंबर्स। तो 2 + 4 का आंसर 6 है, तो 6 ये आंसर जो है वो इन दोनों नंबर से बिग होगा। 2 से भी 6 बिग नंबर है और 4 से भी बिग है। उसी तरह से हम 2 डिजिट भी लेंगे तो भी 2 + 5 का आंसर 7 आएगा, तो 7 2 और 5 से बिग नंबर है। तो सो ये हम 4 फैक्ट्स है, इसकी प्रैक्टिस हम बच्चों को अगर रेगुलर करवाएंगे तो बच्चे को एडिशन विद कैरिंग सीखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अब देखते हैं हम 3 डिजिट एडिशन। तो 3 डिजिट एडिशन हम कैसे सिखाना है, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम 27 + 14 लेते हैं तो 7 + 4, 7 बिग नंबर है तो उसे माइंड में रखेंगे और 4 को फिंगर में, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1 यहाँ पे आएगा तो 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गए 3 डिजिट नंबर। इसलिए हमें बच्चों को पहले से सिखाना है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना आए। तो 2 + 1 होगा 3, 3 का नेक्स्ट नंबर होगा 4, तो यहाँ पे आएगा 4। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 + 2 कितना होता है 3, प्लस उसके बाद हम ये 3 ऐड करेंगे इसमें, फिर 3 + 3 कितना होता है 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। इस तरह से हम बच्चों को 3 डिजिट एडिशन सिखा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉलम एडिशन। कॉलम एडिशन में हमेशा बच्चों को वंस और टेंथ प्लेस में सिखाया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल है 42 और 12, तो 2 + 2 होता है 4, जो कि आएगा वंस प्लेस में, और टेंथ 4 + 1, 4 का नेक्स्ट नंबर होगा 5, यहाँ पे वो फर्स्ट वाला फैक्ट यूज हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे 2 + 2 होगा 4 और 4 + 1 होगा 5, तो हम अगर वर्टिकल करें या हॉरिजेंटल करें उसका आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस ले सकते हैं। अब हम देखते हैं एडिशन विद कैरिंग। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 18 + 23,
तो क्या करेंगे हम, टेंस और वन के प्लेस में लिखेंगे। एट आएगा वंस के प्लेस में और वन टेंस के प्लेस में, उसी तरह से 23, तो इसको हम ऐड करना है। तो क्या आएगा, 8 + 3, 8 को माइंड में रखेंगे और 3 को फिंगर पे, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पे आया 11, तो 11 इसमें भी हम वंस और टेंस प्लेस करेंगे, तो वंस प्लेस में ये नंबर है तो यहाँ पे वंस आएगा और ये नंबर जाएगा टेंस प्लेस में, तो वन कैरी हो जाएगा। तो 1 + 1 होता है 2 एंड देन 2 + 2 होता है 4, हो गया। इस तरह से हम बच्चों को एडिशन विद कैरिंग सिखा सकते हैं। उसके बाद और एक एग्जांपल हम देख लेंगे, 4 + 6, यहाँ पे बिग नंबर है 6, 6 को हम माइंड में रखेंगे और 4 को फिंगर पे, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 10 0 जाएगा वंस प्लेस पे और 1 जाएगा टेंस प्लेस पे। 4 + 1 होता है 5 और 5 का नेक्स्ट, उसमें 1 ऐड करना है इसलिए नेक्स्ट नंबर उसका देखेंगे, 5 नेक्स्ट होता है 6। इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो आज हमने देखा एडिशन विद कैरिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।